कराची में एक और बड़ी आग। 11 घंटे से ज्यादा गुजर गए। साइट एरिया में रूई के गोदाम में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग की शिद्दत के बायस गोदाम का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग तीसरे दर्जे की करार। वाटर बोर्ड की नीफा और क्रश प्लांट हाइड्रेंट पर एमरजेंसी नाफिज। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि आग पर मुकम्मल काबू पाए जाने तक पानी की फराहमी जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने गैस बहरान और ओवर बिलिंग के मामले पर आज इजलास बुला लिया। LNG टर्मिनल्स के गलत जोन में तामीर का खमियाजा आवाम और मईशत को उठाना पड़ गया। गैस का हालिया बहरान LNG कार्गो की आमद रुकने पर पैदा हुआ। RLNG सप्लाई में 400 मिलियन क्यूबिक फिट कमी। आज गैस शॉर्टेज 780 मिलियन क्यूबिक फिट तक पहुँचने का खदशा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त अदालत आज समाअत करेगी। कानूनी निकात पर मुतमईन करें। नवाज शरीफ के वकील को अदालत की हदायत। नैब से भी जवाब तलब। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत आज होगी। कमर्शियल प्लॉट लेने का इल्जाम। 1 अरब 5 करोड़ का नुकसान। साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल को नैब हुकाम आज कराची की एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। सऊदी वली अहद 2 रोजा दौरे पर 16 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी एडवांस सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। मोहम्मद बिन सलमान के डॉक्टर्स की टीम और सऊदी मीडिया नुमाइंदों की भी आमद। वली अहद का वर्जिश का सामान, फर्नीचर और जरूरी अशिया 5 ट्रकों में मकामी होटल पहुंचा दी गई। किसी को मुफ्त हज नहीं कराया जाएगा। वजारत मजहबी अमूर ने हज पॉलिसी जारी कर दी। इस साल 1,84,210 पाकिस्तानी हज का फरीजा अदा करेंगे। सरकारी हज स्कीम के लिए 60%, प्राइवेट स्कीम के लिए 40% कोटा मुख्तस। सरकारी स्कीम के तहत दरख्वास्तें 25 फरवरी से 6 मार्च तक वसूल की जाएंगी। करंदाजी 8 मार्च को होगी। कराची में MQM के UC दफ्तर पर फायरिंग। शकील नामी शख्स जांबहक, दूसरा जख्मी। फायरिंग का वाकया न्यू कराची सेक्टर 11D में पेश आया। खाजा इजहार के मुताबिक 5 से 6 अफराद ने दफ्तर में घुसकर फायरिंग की। खालिद मकबूल सिद्दीकी का 3 रोजा शोक का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी। कराची में गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। खातून जांबहक, अहले खाना का एहतजाज। अस्पताल में इंजेक्शन लगने के बाद खातून की हालत खराब हुई। लवाहिकीन का इल्जाम। चार 45 पे वाकया होता है। 5 बजे एम्बुलेंस पहुंचती है। 5 गोलियों लगे हुए शख्स को वो थाने ले जाते। तकरीबन 6:37 पे वो जिला अस्पताल पहुंचता है और उसकी डेथ हो जाती है। माइंडसेट जो है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। कराची में इरशाद रांझानी का कत्ल। रहीम शाह और पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गफलत बरतने पर DSP और SHO को हटा दिया गया। फायरिंग करने वाले रहीम शाह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। उधर मामले में पुलिस के गैर पेशावराना रवैये पर वजीर आला सिंध बरहम कहते हैं, पुलिस जख्मी को अस्पताल के बजाय थाने ले गई। पाकिस्तान टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए तरीका कार तय करके अमल दरामद कराए।
IMF ने मुज़ाकरात में कड़ी शराइत रख दी। कहा रुपए की कदर को डॉलर के मुकाबले में सरकारी कंट्रोल से आजाद रखें। बिजली और गैस कंपनियों का खसारा पूरा करने के लिए नर्ख मजीद बढ़ाए जाए। वफाकी मुहासिल में हिस्से के मुताबिक अखराजात भी सूबों को मुंतकिल करें। मैं आपको दो टॉक जवाब दे दूं, ना कोई डील होगी और ना ही डील मिलेगी। शरीफ खानदान को मुशर्रफ से मुआफी दिलाना बहुत बड़ी गलती थी। लबनानी वजीर आजम का हाथ खड़े करके एतराफ। फवाद चौधरी कहते हैं साद हरीरी ने इमरान खान से कहा पाकिस्तान में फिर नवाज शरीफ को NRO की बाजगश्त है। नवाज शरीफ ने कोई वादा पूरा नहीं किया जिस पर सख्त शर्मिंदगी हुई। असद उमर बोले साद हरीरी ने कहा आइंदा NRO नहीं कराएंगे। अलीमा खान जैसा NRO नून लीग को देने को तैयार है। वजीर आजम के मामले खसूसी शहजाद अकबर का 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है वे इजहार ख्याल। कहा अलीमा खान अपने टैक्स से ज्यादा पैसा भर रही हैं। शहबाज शरीफ पर क्रिमिनल केसेस हैं। कैसे चेयरमैन PSC हो सकते हैं, वही हो रहा है जिसका खदशा था। अपोजिशन कानून सासी की तरफ नहीं आना चाहती। इस्लामी फौजी इत्तेहाद के कमांडर इन चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ का दौरा GHQ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई अमनो इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने इस्लामी फौजी इत्तेहाद बराए इंसदादे दहशतगर्दी की काविशों को सराहा। राहील शरीफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल जुबैर महमूद हयात से भी मुलाकात। PTM के जहरीले प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज उठाने वाले को कत्ल कर दिया गया। मलिक मातोरके के भाई ने कत्ल का जिम्मेदार PTM के मंजूर पश्तीन मोहसिन दावड़ और अली वजीर को करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट सामने आ गई। परखे जान ने बयान में कहा कि PTM ने जरगे के जरिए घर मिसमार करने की कोशिश की, नाकामी पर संगीन नतीजे की धमकियां दी। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान से 610 ग्राम आइस हेरोइन बरामद। मुलजिम समीउल्लाह ने आइस बैग के रॉड में छुपा रखी थी। उधर सवाबी में कार के खुफिया खानों से 50 किलो चर्स बरामद। अदीनजई चकदरा का रिहायशी मुलजिम हजरत उस्मान बाचा गिरफ्तार। अमरीकी मुस्लिम कांग्रेस रुकन अलहान उमर ने यहूद मुखालिफ बयान देने पर मुआफ़ी मांग ली। स्पीकर नैन्सी पेलोसी और दीगर अराकीन ने मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। फलस्तीनियों के खिलाफ सेहूनी रियासत के जराइम के खिलाफ पर सतह पर आवाज़ की बुलंद करती रहेंगी। इसराइल पर तनकीद को यहूदियों की तौहीन के मुतरादिफ करार देने का कोई जवाब नहीं, अलहान उमर का ट्वीट। ईरानी इनकलाब के 40 साल मुकम्मल होने पर अमेरिका और इसराइल का रद्द अमल। ईरान ने सिर्फ करप्शन, जबर और दहशतगर्दी को जन्म दिया। ईरानी अवाम इनकलाब ईरान से कहीं ज्यादा रोशन मुस्तकबिल के मुस्तहिक हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के फारसी और अंग्रेजी में ट्वीट्स। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि अगर इसराइल पर हमला किया गया तो यह इनकलाब ईरान की आखिरी सालगिरह होगी। ईरान की धमकियों से खौफजदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारिक। मैं हूं आपके साथ महमूद नदीम। हेडलाइंस आपने जाने। आगाज में अहम खबर आपको दें। कराची में एक और बड़ी आग। 11 घंटे से ज्यादा गुजर गए। साइट एरिया में रुई के गोदाम में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। आग की शिद्दत के बायस गोदाम का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया।